Assalamualaikum. Waalaikum salam. कैसा ठीक फिर? हाँ. रोज़ दरसे कंटिन्यू. हाँ. यहाँ पे मेरे से पहले ही लगभग 50-60 गाड़ियाँ लगाई. हाँ जी दोस्तों, अभी चल रहा है माल का हिसाब. इसको दिखाओ भाई यहाँ से सभी लोगों को कितना. वो भी क्या करें मैं. फाइनली दोस्तों अपनी टर्न आ गई. बस एक गाड़ी है मेरे आगे, उसके बाद है अपनी टर्न. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं गया था सुरनकोट काम करने के लिए, फिर सुरनकोट से मैं गया था रजौरी, वहां से गया था बुदल, दो तीन जगहों पे मैं गया था काम करने के लिए. सही में गाइस इतना सा भी टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने के लिए. सबसे पहली बात काम में बिजी थे, एंड दूसरी बात मैं वहां पे 4 दिन तक बीमार पड़ा था. एंड वो बोलते ना वो खतरनाक बीमार पड़ा था मैं वहां पे, इसलिए मैं ना कोई व्लॉग शूट कर पाया ना ही मैं व्लॉग कोई अपलोड कर पाया. ठीक है, अब आप लोग का सवाल हुआ कि मैं घर आया कब. मैं घर आया कल यानी 26th of March. घर क्यों आना पड़ा वो भी मैं आपको बोलूंगा, एंड वापस कब जाना है मुझे ये भी मैं आपको बोलूंगा. घर मेरे को इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे को 28th of March है गाड़ी की ट्राई, लाइसेंस की ट्राई है मेरे को. ठीक है, जिसको ट्राई बोलते हैं वही ट्राई है मेरे को. ठीक है, एंड मैं बीमार था इसलिए मैं घर आया, एंड वापस जाना होगा यही हफ्ते बाद. हफ्ता बस, हाँ हफ्ते तक मेरे को और माल भरना है गाड़ी में. गाड़ी वाड़ी फिलहाल साफ करनी है अच्छे से. ठीक है, एंड देखते हैं फिर कैसा रहेगा, फिलहाल सीख ही रहे हैं. वैसे दोस्तों जिसको याद है मैंने लास्ट रमजान 30 days 30 vlogs किए थे, एंड उन दोनों मेरी चैनल की हालत थी ये, एंड अभी मेरी चैनल की हालत थी ये. मेरी वजह से, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं खुद को ब्लेम करता हूँ क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. दैट्स वाई मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ. बट हाँ, जिन दोनों मैं घर पे हूँ इन दोनों में पूरा ट्राई करूंगा व्लॉग बनाने की. पूरा ना वो बोलते ना वो पूरा पूरा ट्राई करूंगा व्लॉग बनाने की. बस फिलहाल जाएंगे बाहर, दिखाता हूँ मैं आपको कि इन दिनों क्या चेंजेस रही है घर में. इस रमजान मेरा टोटली स्किप हुआ व्लॉग्स, मतलब बोलते ना वो मैंने 11 दिन से कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है. ठीक है, बहुत सारे लोग के मैसेज भी आते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं बनाते, कहाँ होते हो, किधर होते हो. बट मैं उनको क्या रिप्लाई दूँ कि भाई मैं किधर होता हूँ एंड किस काम में होता हूँ. क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, सारे दिन सेम नहीं होते. जैसे मेरा पिछला साल कुछ और था एंड ये साल कुछ और रहा, क्या ही कर सकते हैं, चेंजेस तो आती रहती है. बाकी यहाँ से भी हो गई ये गाड़ी एकदम चकाचक, ये धो दी उन्होंने अभी. ठीक है, एकदम चकाचक हो गई ये गाड़ी. देखो जी हमने क्या, अरे बोलने दे भाई, कम से कम बोलने तो दे. देखो क्या चीज हमने अपग्रेड किया है यहाँ पे. लास्ट या सेकंड लास्ट व्लॉग में बना रहा था इनके लिए जगह, तो वो जगह फिर कंप्लीट नहीं हो पाई, वो फिर अधूरी रह गई. इसलिए फिर देखो हमने कितना सॉलिड बनाया इनके लिए, पूरा सॉलिड बनाया. ये पूरा लोहे का है, देखो जी देखो सी. ये मेरा पुराना वाला मुर्गा, ये नया वाला मुर्गा देखो, वो सफेद वाला. बाकी ये यहाँ से अंग्रेज दिए, इनकी कटाई की गई है. मैं अब देख रहा हूँ ये कितने छोटे लग रहे हैं अब. गर्मी में बैठे आराम से बैठने देते हैं. जब मैं यहाँ नहीं था ना, इन दोनों ने खून उतारा है आपस में. इसको अभी भी लगी है इधर, देखो. हाँ जी दोस्तों, अभी चल रहा है माल का हिसाब. इसको दिखाओ भाई यहाँ से सभी लोगों को कितना. क्या करें मैं तो भाई हमारा मदद दे रहा है, इधर का भाई हमारी मदद कर रहा है फिलहाल. मैं बस हिसाब कर रहा हूँ कि अभी हमारे पास कितना माल बचा है भाई साहब, क्योंकि इस काम ने इस काम को निकालना है टोटल ऑफ सम कि हमारे पास कितना माल बचा है अभी. फिर बस और क्या है, देखेंगे कितना कमाया हमने इस फेरे में. और देखिए तानिशली पठान ये भी हमारी हेल्प कर रहे हैं. इधर दिखा रहा गाड़ी की तरफ भी, दिखा कितना माल निकाला. बस बस सही है. तो जी फिलहाल हम करते हैं ये काम, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें, एंड मैं लिख रहा हूँ फिलहाल. ठीक है, लास्ट वाली क्लिप मैंने शूट की होगी बराबर 3 घंटे पहले, एंड अभी इफ्तार भी कर लिया मैंने. एंड पीछे देखो आप कितना यहाँ से कूड़ा गिरा है, देखो सी बहुत ज़्यादा कूड़ा गिरा हुआ है. एंड गाड़ी का भी माल भी हो गया एकदम सेट, एंड सब माल का हिसाब किया हमने कि कितना माल है क्या. मैं बहुत ज़्यादा थक गया, लिटरली बहुत ज़्यादा थक गया, क्योंकि आज अकेले करना पड़ा सब कुछ. यहाँ पे तो बंदे फिर भी हेल्प करते थे, यहाँ पे भी हेल्प मिली हमको, दो बंदों ने हेल्प की, लेकिन जो हेल्प हमको रजौरी में मिली थी
वैसी हेल्प यहाँ पे नहीं मिली। देखो जी माल एकदम सेट हो गया सारा, अभी जाते हैं अंदर खाते हैं खाना, फिर देखते हैं क्या रहेगा व्लॉग में दिखाने के लायक, वो सारा दिखाएंगे। अभी चल रहा है यहाँ पे मैच CSK वर्सेस गुजरात टाइटंस। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा गुजरात के लिए, क्योंकि लाइक शुभमन गिल, मुझे उसकी बैटिंग पसंद है, दैट्स वाई मैच देखेंगे पूरा। एंड अभी तक मैंने लगभग कोई भी मैच मिस नहीं किया, सो ये भी देखेंगे पूरा बैठ के, खाना भी ये पे खाएंगे एंड मैच भी देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसा ठीक फिट? रोज तेरे से कंटिन्यू? ये कैसा? चलो वो ठीक। मेरे ही बस 5-6 दिन टूट गए, बाकी यहाँ पे सब ने रोजा कंटिन्यू भरे। थम्स अप। अभी हम मस्त खाते हैं खाना आलू के साथ, ठीक है, एंड मैच देखते हैं IPL बढ़िया तरीके से। तेरा जी स्पेशल खाना आपके लिए तो नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि इसमें टेस्ट अच्छा है। मेरे को कल मज़ा लगा खाने में, जब मैं यहाँ पे आया तो डायरेक्टली मैंने खाना खाया, क्योंकि बहुत टाइम से घर का खाना खाया नहीं था इसीलिए। एंड यहाँ से 4 रन ऋतुराज गायकवाड। चलिए जी खाते हैं खाना। खाने के बाद पेप्सी है ज़रूरी, लेकिन इसमें बर्फ जमा है यार। कोई नहीं, करते हैं मैनेज एंड पीते हैं। यहाँ पे चेन्नई के जीतने के चांसेस बहुत है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से मैच फॉलो कर रहा हूँ एंड 3 विकेट गिर गई, स्कोर भी कम है, एंड यहाँ से इनको 207 रन बनाना है जीतने के लिए। मुश्किल है भाई जीतना। वेल, मैं सोता हूँ, यहीं पे रखता हूँ ये मैच, क्योंकि लेट हो गया बहुत, एंड सोते हैं, आपसे मिलता है डायरेक्ट कल। बाय बाय। तो जी अभी मेरे को जाना है ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने। मुझे जाना है बिमना, जहाँ पे हज हाउस है वहीं पे मेरे को गाड़ी की ट्राई है आज, ठीक है। वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टेस्ट से मैं पास निकलूँ, क्योंकि लाइसेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पास भी होना चाहिए। लास्ट टाइम फरजा ने ट्राई दिया था, वो भी निकला, उसका भाई भी निकला, उसका दोस्त भी निकला ट्राई में, तो ऐसे मेरे को लग रहा है कि आसान है। देखता हूँ मैं निकलता हूँ ट्राई में या नहीं, बने रहो व्लॉग में। यहाँ पे ऑल्टो गाड़ी भी कैंसिल हो गई, क्योंकि उसमें पावर स्टेयरिंग नहीं है, इसलिए मेरे को वो चलाने में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अब मैंने ली ह्युंडई, जो कि लालू की है। हमारे पास ये पहले ही की ग्रैंड आइटम, तो इसमें मेरे को अच्छा कंफर्ट है चलाने में, एंड जाते हैं अब इसी में बिना किसी बकवास के, ठीक है। तो जी पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। यहाँ पे मेरे से पहले बराबर 50-60 गाड़ियां लगाई हुई है, क्योंकि मुझे लेट हुआ आने में। देखो जी गाड़ियां कितनी है, ऐसे एक ही दिख रही होगी, लेकिन पीछे वो लाइन है ना, बराबर गेट तक वो लाइन है। अब पता नहीं कब आएगी मेरी टर्न, अब बस बने रहे, ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे वेट। 1, 2, 3, 4, 5 बस अब है 5 गाड़ियाँ, तो दिल धक धक कर रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि पहली बार मैं ट्राई दे रहा हूँ। मैं इससे पहले ना फेल निकला हूँ ना पास निकला हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है अभी, ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है। अभी कुछ लोगों ने दी, कुछ लोग निकले एंड कुछ लोग नहीं निकले, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं आ रहा है कि ये टफ है ईजी है। मैं देखता हूँ फिलहाल यहाँ पे कि कैसी हालत रहती है मेरी, एंड आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। फाइनली दोस्तों अपनी टर्न आ गई, बस एक गाड़ी है मेरे आगे, उसके बाद है अपनी टर्न। बहुत डर रहा हूँ मैं, अब अगर नहीं निकसन तो बहुत हर्ट होगा, क्योंकि ये 3-3 महीने 4-4 महीने वेट करना है फिर से नंबर के लिए। मैं पूरा ट्राई करूँगा अपने साइड से कि मैं निकलना चाहूँगा इस टेस्ट में, ठीक है, लेट्स सी क्या रहता है। गाड़ी के ट्रायल पे नहीं निकला, लेकिन बाइक के ट्रायल पे निकला मैं आराम से, क्योंकि मैं हमेशा बाइक ही चलाता हूँ, इसलिए मेरे को बाइक की आदत है, मतलब बराबर। एंड इतना आसान है बाइक पे मतलब निकलना ट्राई में कि आप पूछो मत। गाड़ी मुझे एक जगह बस टफ लगा, जब मैं रिवर्स घूम रहा था ना, इनने कहा था पीछे नहीं देखना, लेकिन मैंने पता ही क्या किया, मैंने पीछे देख लिया, वही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। एनीवेज अभी जाते हैं हम घर, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन कुछ खा नहीं सकते, ठीक है। गाइस बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरे साथ, मैंने एकदम अच्छे से ट्राई दी थी, बराबर एंड पे था मैं, मैंने 2 बार ऐसे देख लिया पीछे, तो इधर ही मेरे को फिर उन लोगों ने आउट कर दिया, बोला कि फेल जॉब, 19 सीटें बचाई, फेल निकलो। फिर मैंने बोला कि अब यहाँ पे बैठने का कोई फायदा है नहीं, निकलते हैं वापस। फिर मैंने बाइक में ट्राई दी एंड बाइक में निकल गया, क्योंकि वो बहुत ही आसान है, बाइक पे निकलना एकदम आसान है। बाइक 10 दिन कंटिन्यू चलाएगा ना, ट्रायल में इजिली निकलेगा, लेकिन गाड़ी बहुत टफ है चलाना ट्रायल पे, एंड वहाँ पे सभी लोग आपको देख रहे होते हैं, इंसान नर्वस भी होता है, तो इसीलिए मेरे साथ भी ये सेम चीज हुई, मैं नहीं निकल पाया, ठीक है।
बाकी दोस्तों अभी था टाइम इस वाले व्लॉग को एंड करने का। अगर आपको ये वाला व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद से कर लेना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।